गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। सो लास्ट टाइम इफ़ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने गॉसेस लॉ पढ़ा था, और गॉसेस लॉ हम वहाँ लगाते थे जहाँ पे हमें किसी क्लोज गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना होता था, यही कहा था। आज हम उसी गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। उसकी बेसिकली तीन एप्लीकेशन हम करते हैं, वैसे तो चार भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में देर आर ओनली थ्री एप्लीकेशन। आउट ऑफ दैट द फर्स्ट वन, जो पहली एप्लीकेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब देखो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्म चार्ज वायर, इसका क्या मतलब है? मान लो एक बहुत पतली वायर है, इतना मोटा मार्कर नहीं, एक बहुत पतली एक लाइन समझ लो, जैसे आप कॉपी में ड्रॉ करते हो, जैसे हमने यहाँ पे बनाया ये लाइन, बिल्कुल वैसे ही ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी कि दोनों तरफ को इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, और इसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो सेम बराबर डिस्टेंस पे यहाँ, फिर बराबर डिस्टेंस पे यहाँ, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? तो सबसे पहले अगर हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए कि हमें गॉसेस लॉ के साथ साथ गॉसियन सरफेस हमेशा बनानी होगी। इज इट क्लियर? तो गॉसियन सरफेस हम कैसे बनाएं, हम उस बारे में बात करते हैं। कर सकते हैं ना बात? करना ही है, वही डेरिवेशन कर रहे हैं। सो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, रेडियस बहुत पतला है, इतना पतला है ये वायर, इतनी पतली है कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ सकता, क्लियर? क्योंकि यहाँ अगर चार्ज आएगा तो डेरिवेशन बिल्कुल बदल जाएगा। तो अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि जो चार्ज है वो सिर्फ लाइन के ऊपर आ रहा है, वो बहुत पतली सी लाइन है, और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस की वायर है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हम गॉसियन सरफेस कैसी बनाए, हमेशा याद रखना गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जहाँ पे चार्ज हो वो वहाँ से इक्वी डिस्टेंट हो, यानी कि वहाँ से बराबर डिस्टेंस पे हो। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक चार्ज क्यू रख रहा हूँ, तो इसके बाहर मैं एक स्फेयर बनाऊंगा, क्योंकि स्फेयर बनाते ही इक्वल डिस्टेंस पे हम चार्ज से वो सरफेस बना सकते हैं। सिमिलरली अगर एक थिन वायर है, इसकी वजह से मुझे कोई गॉसियन सरफेस बनानी है, सो सबसे प्रेफरेबल जो आपकी गॉसियन सरफेस होगी वो एक ही टाइप की होगी, कौन सी? सिलेंड्रिकल। क्योंकि अगर मेरे पास एक वायर है, जैसे आपकी एक रिफिल होती है, उसके बाहर पेन है, सिलेंड्रिकल मानना, ऐसे वाली नहीं कि जो यहाँ से मोटी है इधर को पतली हो गई, ऐसे वाला नहीं, प्रॉपर सिलेंड्रिकल जो आपकी पेन होती हैं, उसमें अंदर जो रिफिल है वो आपकी वायर, और जो आपकी पेन का कवर है वो आपकी गॉसियन सरफेस। तो रिफिल से वो जो डिस्टेंस होगी वो कैसी हो जाएगी? इक्वी डिस्टेंट, बराबर डिस्टेंस पे होगी, तो इसीलिए हमने ऐसी गॉसियन सरफेस ली। तो अगर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इस सिलेंडर में कितनी सरफेसेस होती हैं? तीन, वन टू और ये थ्री, ठीक है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दो सर्कुलर पार्ट और ये वाला आपका पार्ट, ठीक हो गया? अच्छा, तो कर्व सरफेस एरिया, सर्कुलर जो एरियाज होते हैं, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर ये वायर, इसके अंदर जो वायर है, जैसे ये वायर दिख रही है, ये पॉजिटिवली चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो कहाँ को जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे निकलेंगी? आप इमेजिन करो, एक पाइप है, बहुत पतला सा है, जिससे पानी फ्लो हो रहा है, आप उसमें कहीं पे भी छेद करो, ठीक है, एक फाइन होल करो, तो पानी कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, है ना? अगर हर पॉइंट पे ऐसे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ करें, तो हर जगह को जाएगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाएंगी, ठीक है? तो ये आपका एक कर्व सरफेस एरिया पे भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने दिखा रखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं। सिंस इस तरफ और इस तरफ कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ को तो जाएंगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ कहाँ से निकलेंगी? इस कर्व सरफेस एरिया से निकलेंगी, यहाँ और यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं निकलेगी। लेकिन यहाँ तो दो सर्कुलर सर्फेसिस भी हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सब यहाँ से जाएगी। इसका मतलब फ्लक्स जो होगा वो सारा का सारा कहाँ से जाएगा? इस कर्व सरफेस एरिया से जाएगा, लेकिन इस सर्कुलर सरफेस से आपका कुछ नहीं जाएगा। यहाँ से भी समझ में आता है कि इधर और इधर से जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। अब इधर से देख लेते हैं, ये भी हमें देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या करा, सरफेस पे एक छोटा सा एरिया ले लिया, डीएस एरिया, ठीक है? यानी कि अगर इस मार्कर में मैं बोलूँ आपको, ये जो मार्कर है इसमें एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया, देखो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो मैंने मार्क करा है ये, तो एक छोटा सा सरफेस एरिया हमने ले लिया है। अब यहाँ इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा? एरिया तो डीएस मान लिया इसका, इसका एरिया है आपका डीएस। एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? एक यहाँ से हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन हम ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल वही मैंने यहाँ भी करा है। डीएस
यहाँ से जो रेड वाला देखो, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जा रहा है डीएस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर को जा ही रही थी, तो इस कर्व सरफेस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डीएस की जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की सेम है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर को ही जा रही है, या तो इधर को यहाँ इधर को, और यहाँ जो एरिया वैक्टर है वो जो सर्कुलर सर्फेसिस है वहाँ से कैसे आ रहा है, वो बाहर को आ रहा है। तो अगर मैं पूरे इससे फ्लक्स की बात करूँ, जो हमारा फाई होता था वो कितना होता था, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस, पूरी सरफेस है तो बंद है, ई डॉट डी एस, तीन सरफेसेस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, फर्स्ट सरफेस यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, सर्किल हटा दिया क्योंकि एक सरफेस ओपन होगी, ये वाली अगर इंडिविजुअल सरफेस ले रहे हैं तो ओपन होगी, पूरी सरफेस पूरा सिलेंडर ले रहे हैं तो क्लोज होगा। ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस के लिए और ई डॉट डी एस थर्ड सरफेस के लिए, यही हो जाएगा। अच्छा अब देखो जो फर्स्ट सरफेस है ये वाली है, इसका एरिया वेक्टर तो इधर को है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर को है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो फॉर्मूले से भी आप देखोगे आपका एंगल कितना आ रहा है 90, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 90। यहाँ पे भी मैंने छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया है प्लस, दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है ना, ठीक है, तो ई डी एस कॉस 90। इस कर्व सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली बाहर को, एरिया वेक्टर भी बाहर को, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो गया ई डी एस कॉस 0। ठीक है, ये समझने वाली बात है कर्व सरफेस एरिया में क्या हो रहा है। यहाँ फिर वही, यहाँ डी एस वैक्टर बाहर को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उधर को जा रही है, तो एंगल कितना हो गया फिर ई डी एस कॉस 90। अब ये ई डी एस कॉस 90, ई डी एस कॉस 90 तो कितना हो गया 0 हो गया, तो ये हो गया 0 प्लस सेकेंड सरफेस के लिए ई बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस 0 तो 1 होता है इसलिए हमने उसे हटा दिया प्लस 0, यानी कि हमारे पास जो बच गया वो सिर्फ कितना बच गया, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू 5, यही होता है। तो यहाँ तक आप एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आई विल बी इरेजिंग समथिंग देन। इतना समझ में आ रहा है क्या करा, गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है, कभी भी आपको कहीं से भी पूछा जाए एप्लीकेशन ऑफ गॉसस लॉ में, तो सिलेंड्रिकल ही क्यों बनाई, क्योंकि वायर है वहाँ से इक्विडिस्टेंट आपका सिलेंडर होता है इसलिए हमने वो बनाया। उसके अलावा तीन सर्फेसेज होती हैं सिलेंडर में, दो सर्कुलर एक कर्व सर्फेस, जो आपका सर्कुलर सर्फेसेज हैं वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं जा रही हैं, इसीलिए वहाँ से फ्लक्स भी कितना हो जा रहा है 0, तो यहाँ से और यहाँ से फ्लक्स 0 और सारा का सारा फ्लक्स आपका कर्व सर्फेस से जा रहा है। इज इट क्लियर, सेल वी इरेज इट, इवन आई डू नॉट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाई की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ इतनी, यहाँ पे एक बार फिर लिख लेते हैं ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, है ना। अब हमने जो सिलेंडर लिया था, देखो वायर तो इनफाइनाइट थी, उतना लंबा सिलेंडर कितना लंबा, इनफाइनाइट लेंथ का तो लोगे नहीं, तो आपने एल लेंथ का सिलेंडर कंसिडर करा था, तो जो कर्व सर्फेस एरिया होता है वो कितना होता है 2πRH, यहाँ लेंथ एल ली है, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब जितने ऐसे छोटे डी एस होंगे इस कर्व सर्फेस में सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो तो पूरी कर्व सर्फेस ही तो बन जाएगी, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा 2πRL, सारे डी एस को ऐड करो, डी एस डी एस डी एस पूरी कर्व सर्फेस में, तो आपका इतना आ जाएगा 2πRL। अच्छा फाई तो हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है, यही तो होता है गॉसस लॉ, ये तो होता है ना गॉसस लॉ, बिल्कुल। अब दोनों को देखो, यहां से E इंटू 2πRL इज इक्वल टू कितना आ गया Q बाय एप्सिलॉन आया। अच्छा अब अगर ये आ गया तो हम इससे आगे बढ़े, चलो हमें पता है, इसको इक्वेशन वन बना दो, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो इतने सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आ रहा है इस वायर में वो Q है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, अगर मास V वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमिलरली अगर चार्ज L लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपका ये कितना हो जाता है Q बाय L, दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा इंटू L, यही हो गया, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। Now I am erasing this part.
आई होप सो ऑल हैव रिटन दिस पार्ट, ये शुरुआत में था इसीलिए मैंने आपसे कहा तो कॉपी कर लो, बैक करके देख ले रहे एक बार, दिक्कत हो रही होगी तो। अब वैल्यू रखो, E इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू लैमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने इक्वेशन वन पे वैल्यू पुट करी, L से L तो कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू लैमडा अपॉन, इसको इधर ले आओ, टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपका डेरिवेशन है। E और एप्सिलॉन नॉट को जरा अलग बनाइएगा, बहुत बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, जहाँ पे ds एरिया लेते हैं, यहाँ पूरे सिलेंडर या फिर आपका कभी कोई पाई आर स्क्वायर ले लेता है, कोई यहाँ पे गलती कर देता है, जिस वजह से लास्ट का डेरिवेशन गलत हो जाता है। तो अगर मान लीजिए पूरा डेरिवेशन आपका 3 मार्क्स का है, तो आपको 1.5 मार्क ही मिले, क्योंकि जहाँ से मेन था वहाँ से आपने गलती कर दी। इज इट क्लियर? यहाँ तक कर लीजिए। अब हमें R और E के बीच में ग्राफ बनाना है। कैसा रिलेशन है E और R के बीच में? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। R बढ़ेगा तो E कम होगा, R कम होगा तो E बढ़ेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्स का ग्राफ ऐसे बनता है। तो R और E के बीच में आपका ग्राफ बन गया। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू।